लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन का इतिहास लगभग 220 वर्ष पुराना है, जिसकी शुरुआत दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित रानीगंज कोल फील्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के मेसर सुमनेर और हीटली द्वारा 1774 को की गई थी। गर्मी के दिनों में कोयला गर्म हो जाता है, अंदर रास्ता नहीं होने के कारण गर्मी निकल नहीं पाती है। जब कोयले में आग लगती है तो वेम जलता है, कोयला ठोस से सीधा वाष्प बन जाता है। ऐसी स्थिति में कोयले से काला धुआं निकलता है। कोयला ऐसा खनिज है जिसमें कार्बन के साथ ही आयरन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर तत्व भी होते हैं। भारत में कोयले के खनन का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयले का वाणिज्यिक खनन आरंभ किया। इसके बाद कोयले का उत्पादन लगभग 1 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष हो गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में उत्पादन 6.12 मिलियन टन वार्षिक हो गया। दुनिया में कोयले के सबसे बड़े भंडार अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत में हैं। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के मुताबिक भारत के पास 319 अरब टन का कोयला भंडार है। भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। इन पिछले 3 दशकों में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक रहा है। चीन ने 2013 में लगभग 3.7 बिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो वैश्विक कुल कोयले की उपज का 47% था। देश दुनिया के कुल कोयले की खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा भी खा जाता है। विश्व में सबसे अधिक कोयला भंडार की उपलब्धता वाले देशों की सूची में भारत का 5वां स्थान है। वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष स्थानीय कोल उत्पादन लगभग 700-800 मिलियन टन है, जबकि प्रतिवर्ष औसतन लगभग 150-200 मिलियन टन कोयले का आयात किया जाता है। कोयला उत्पादन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य 127.095 करोड़ टन के उत्पादन के साथ सूची में सबसे ऊपर है। झारखंड 113.014 मिलियन टन के उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि ओडिशा 112.917 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। देश में कोयला खनन की शुरुआत बंगाल के रानीगंज और झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र से हुई थी। कोयला उत्पादन में झारखंड की बादशाहत रही है। 2 कोयला कंपनियां झारखंड में हैं। वहीं ECL के 2 एरिया राजमहल एवं मुगमा भी झारखंड में ही हैं। कार्बन की मात्रा 94-98% तक होती है। एक बार जलने के बाद यह कोयला समाप्त होने तक जलता रहता है और इससे राख की मात्रा न के बराबर होती है। लिग्नाइट यह कोयला भूरे रंग का होता है तथा यह स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 28-30% तक होती है। बिट्यूमिनस कोल या काला कोयला वो कोयला है जो अपेक्षाकृत अधिक मुलायम होता है और जिसमें बिटुमेन या एस्फॉल्ट नामक पदार्थ विद्यमान होता है। प्रायः लिग्नाइट कोयले पर उच्च दाब के फलस्वरूप बिटुमेनी कोयले का निर्माण होता है। यह काले रंग का और कभी कभी काले भूरे रंग का होता है। एंथ्रेसाइट यह सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है। इसमें लगभग 80-90% कार्बन होता है। यह कठिन कोयला है। भारत में यह मुख्य रूप से रियासी जिले में जम्मू और कश्मीर राज्य में पाया जाता है। देश में कोयला संकट की वजह से जहां बिजली की आपूर्ति में अड़चन आने की आशंका जाहिर की जा रही है। देश में 135 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है और सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि इनमें से 18 प्लांट में कोयला पूरा खत्म हो चुका है, यानी यहां कोयले का स्टॉक ही नहीं है। कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मांग में बढ़ोतरी की वजह से ही हालिया हालात पैदा हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसी साल मार्च में कोल इंडिया ने पावर प्लांट्स को कोयले का स्टॉक रखने की सलाह दी थी, लेकिन प्लांट ने इस सलाह को माना नहीं। मार्च में कोल इंडिया के 16% कोयले का इस्तेमाल ही नहीं हो सका। कोयले के दाम बढ़ जाने की वजह से ये प्लांट भी बंद हो रहे हैं। भारत में आयात किए गए कोयले से चलने वाले प्लांटों की क्षमता 16.2 गीगावाट है। वित्त वर्ष 2020-21 में ये प्लांट अपनी क्षमता का 54% बिजली उत्पादन कर रहे थे, जो सितंबर 2021 में घटकर 15% ही रह गया। भारत ने बीते वित्त वर्ष 2020-21 में नेपाल सहित पड़ोसी देशों को 8 लाख टन कोयले का निर्यात किया। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार इसमें से सबसे अधिक 77.20% कोयले का निर्यात नेपाल को किया गया।
बांग्लादेश को 13.04% का निर्यात किया गया।